एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थर्सडे का दिन है और शाम का टाइम है, बच्चे बस रेडी हो चुके हैं, निकलने वाले हैं ट्यूशन के लिए। तो बस ये दोनों ट्यूशन के लिए निकल चुके हैं, तो आज इनको मैं छोड़ने नहीं जा रही हूँ क्योंकि आज किसी और की मम्मा इनको छोड़ने जाएगी। तो आपस में काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं ना, मिलजुल के जाते हैं, तो कभी किसी की मम्मा छोड़ने जाती है, कभी किसी की, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाता है। अच्छा, बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं और ये देखिए रूम पे इन्होंने क्या हालत की हुई है। तो मंदिर वाले रूम पे ये ऐसे ही करके रखते हैं और फिर इवनिंग में जब पूजा करो और इस तरीके से रूम देखो ना, तो अजीब सा होता है। तो मैंने सोचा पूजा करने से पहले जो है ये वाला रूम मैं ठीक ठाक कर देती हूँ, हालांकि जब बच्चे आएंगे उसके बाद अगेन जो है ये ऐसे ही हो जाने वाला है। क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने और इनके लिए जो है चाय बनाई और इनको चाय दे दी है। तो ये तो अपनी ऑफिस की कॉल में बिजी है और साथ ही साथ मैं भी बिजी हूँ। इवनिंग टाइम में जो व्लॉग पब्लिक होना था ना, उसकी एडिटिंग मैं कर रही थी, तो अब काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि सेकंड चैनल का भी काम है और इवनिंग टाइम में उसमें वीडियो आता है। तो बस वही इस टाइम पर जो है मैं एडिटिंग करती हूँ। जब बच्चे चले जाते हैं ना ट्यूशन, तब मेरी एडिटिंग होती है। तो पहले ही मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी और अब मैंने अपने आप को और ज़्यादा बिजी कर लिया है। और इससे रिलेटेड आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि दी आप अपने लिए कब टाइम निकालती हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, मैं जब मर्जी तब अपने लिए टाइम भी निकाल लेती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ साथ साथ। बस यही रहता है कि मैं ना खाली नहीं बैठना चाहती हूँ ज़्यादा देर, क्योंकि वही खाली बैठो फिर अब ना बोरियत आने लगी है खाली बैठने से। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं अपने कामों में लगी रहूँ। हेलो एवरीवन, तो इस बार भी मैंने अमेजोन से कुछ शॉपिंग की है। वैसे हम लोगों की अभी थोड़े बहुत दिन पहले गई है और इनके लिए मैंने कुछ गिफ्ट मंगाया था अमेजोन से, और इनके गिफ्ट के साथ साथ ही मैंने अपने लिए भी कुछ चीज़ें ऑर्डर कराई थी। तो मैं जल्दी से आपको पहले दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है अमेजोन से अपने लिए और इनके लिए। पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने इनके लिए क्या मंगाया। तो ये जो स्वेटशर्ट है मैंने इनके लिए ये मंगवाया था अमेजोन से, और ये येलो कलर का है और आपने देखा भी होगा इनको मेरे वीडियोस में ये पहने हुए, इन पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जब ये पहनते हैं ना तो एकदम से कलर जो है ना उभर के आता है। येलो कलर आपको पता ही है, हर किसी में बहुत अच्छा लगता है। कपड़े की बात करें तो बहुत ही अच्छी इसकी जो है क्वालिटी है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये अंदर से सॉफ्ट है। जो साइज़ है वो है मीडियम साइज़, क्योंकि इन पर जो है मीडियम आता है। दूसरी चीज़ जो मैंने अपने लिए ऑर्डर कराई है वो है ये जैगिंग। तो ये ब्लू कलर की जैगिंग जो है मैंने ऑर्डर कराई है, तो डेनिम लुक में है लेकिन है जैगिंग। तो जैसे जीन्स होती है ना उसी लुक में होती है ये, और स्ट्रेचेबल होती है, फ्री साइज़ है, कोई भी पहन सकता है, कितना भी मोटा आदमी हो, कितना भी पतला। मेरी तो हेल्थ आपको पता ही, आजकल मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये मेरे पे भी फिट आ गई है। खास बात मुझे ये लगती है कि इसकी फिटिंग बड़ी अच्छी आती है, जैसे आप इसको पहनते हो ना इसकी फिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो मैंने अपने लिए ये जो है ऑर्डर कराई थी। अच्छा, ये जो आप प्रिंट देख रहे हैं ना, जैसे जीन्स की लुक का प्रिंट है ये, सिर्फ कोई पॉकेट नहीं है, ये सिर्फ प्रिंट है, इस तरीके का दिया हुआ है कि इसका लुक पूरा डेनिम वाला लगे। ये देखिए टॉप के साथ, स्वेटशर्ट के साथ, जैकेट के साथ, किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये जैगिंग। और इसी तरीके से मैंने अपने लिए एक ब्लैक जैगिंग भी ऑर्डर कराई है। ये देखिए ये भी बहुत प्यारी है और मैं पहन भी चुकी हूँ इनको, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें भी सेम वही जीन्स वाला प्रिंट दिया हुआ है, जैसे जीन्स पे होते हैं ना पॉकेट वगैरह ये सब, देखिए। लेकिन ये सिर्फ प्रिंट है, पॉकेट नहीं है, और ये भी स्ट्रेचेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल जो है इसका कपड़ा होता है। ये देखिए, और इसमें ना ये शेड में है, मतलब थोड़ा सा बीच में लाइट शेड है और थोड़ा सा डार्क शेड है। अपने लिए ऑर्डर कराया वो है ये डेनिम की जैकेट। अच्छा, बड़ी फैशन में होती है डेनिम की जैकेट और पहन के इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है ना, चाहे आप इनको सूट के साथ पहन लीजिए, चाहे वन पीस के साथ पहन लीजिए, और चाहे तो आप जीन्स के साथ भी इनको पहन सकते हैं। तो मैंने ये डेनिम की जैकेट भी अपने लिए ऑर्डर कराई है, इसका साइज़ भी मीडियम है। अच्छा, इन सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप वहाँ से जो इसको खरीद सकते हैं। ये देखिए लास्ट जो चीज़ मैंने ऑर्डर कराई है ना, वो मतलब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई और आप लोगों को भी आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, आप लोग कमेंट भी बहुत करते हैं, वो है ये लिपस्टिक। तो मैंने मेबलिन की ये लिपस्टिक्स मंगवाई थी अमेज़ॉन से ही। अच्छा, ये दो का पैक आया था, तो मैंने इसे जो है ना इसका अनबॉक्सिंग कर दी है। तो ये दो का पैक आया था और डिस्काउंट में मुझे मिला है।
अच्छा क्रीम मैट लिपस्टिक है, जब आप लगाएंगे ना तो एकदम क्रीमी फिनिश आएगी। इनमें से एक शेड तो मैंने अभी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं आजकल इन्हीं दो शेडों को मैं लगा रही हूँ अपने ब्लॉग्स में, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये देखिए, ये देखिए, तो मतलब मेहरून भी नहीं कहेंगे इसको, रूबी रेड सा है, और दोनों ही कलर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत ही ज़्यादा। देखने में ऐसे लग रहे हैं लेकिन दोनों डिफरेंट कलर हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, एकदम क्रीमी सा इसका जो है टेक्सचर है, और बहुत अच्छे से आपके लिप्स पे ये लग जाता है, और बाकी आप फिनिशिंग देख ही सकते हैं, मैंने इस समय भी अप्लाई किया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने अमेज़ॉन से अपने लिए और इनके लिए ऑर्डर कराई थी, तो अगर आपको पसंद आएंगी तो आप भी इनको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी अमेज़ॉन वाली शॉपिंग, ज़रूर बताना। अच्छा यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह लगा दिए हैं मैंने उनकी जगह पे, और अब डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो डिनर में मैं अरबी बनाने वाली हूँ, तो वो ये मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे दी थी, तो काफ़ी सारी अरबी दी थी, तो मतलब 3 से 4 बार की सब्जी बन चुकी है। तो मैंने जो है ना तीसरी ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, 2 अलग अलग तरीके से बनाई थी, आज मैं इसे बॉईल करके बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो है अरबी मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है, अब सिर्फ 1 सीटी में ये बॉईल हो जाएगी, क्योंकि घर की खेत की अरबी होती है ना जो, वो जल्दी से बॉईल हो जाती है। और यहाँ पर बॉईल हो चुकी है, अभी जो है ना इसको मैं निकाल ले रही हूँ अलग प्लेट में। अच्छा आज जो मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ ना, वो एकदम सूखी सूखी बनेगी, क्योंकि दोपहर की ना दाल बची हुई थी, इसीलिए जब दाल रहती है तो इस तरीके से मैं एक सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बस अरबी ठंडी हो गई है, यहाँ पर इसको छील लेते हैं, और छीलने के बाद ना इसको बारीक बारीक जो है टुकड़ों में कट कर लेंगे। अच्छा इस तरीके की सब्ज़ी जो होती है ना, वो चाय के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है ना, मतलब एज अ स्नैक हम लोग खाएं इवनिंग टाइम पे तो बड़ी अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है इस तरीके, मतलब आलू की सब्ज़ी हो गई या इस तरीके से अरबी की सब्ज़ी हो गई। तो यहाँ पर अरबी के जो है मैंने पीस कर लिए हैं, अब इसमें जल्दी से तड़का लगा देते हैं। तो कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है, और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी राई, थोड़ी सी इसमें मैं अजवाइन भी ऐड करूँगी, और थोड़ा सा हींग। तो हींग और अजवाइन ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है अरबी की सब्ज़ी में ना, क्योंकि गैस करती है ये सब्ज़ी। अच्छा यहाँ पर मैंने लहसुन और प्याज भी कट करके रखा था, तो बस उसको भी जो है मैंने ऑयल में डाल दिया है। अच्छे से भूनने के बाद अभी ऑयल में ही जो बेसिक मसाला होता है वो ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से ऑयल में जब पहले मसाला भूनते तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाता है, और मसाला ना पक जाता है, एक कच्चापन जो मसाले में होता है वो नहीं रहता है। अच्छा मसाला सब भून चुका है, यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दी है सारी अरबी, अब 1-2 मिनट जो है इसे ढक के पकाएंगे, और उसके बाद जो है अरबी की सब्ज़ी जाएगी तैयार। तो ये देखिए, और फिर ऊपर से ना हरा धनिया गार्निश कर देंगे, तो बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा आप लोग ये पूछते हैं कि जो लोहे की कढ़ाई आपने ली है ये कितने की ली है, तो इनके ना ये रेट मतलब बार्गेनिंग के ऊपर है, मतलब ये लोग बोलते तो बहुत ज़्यादा है, जो बेचने वाले होते 800 भी बोल देते हैं, 700 भी बोल देते हैं। तो मेरी जो कढ़ाई है वो मैंने 500 में ली हुई है, एक इसकी दूसरी कढ़ाई है वो भी 500 की थी, तो मतलब वही है 400-500 में आ जाती है बड़ी कढ़ाई, और जो छोटी कढ़ाई होती है उसके रेट थोड़े से कम ही होते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब फ्राइडे की सुबह का टाइम है, विदांश कर रहा है अपनी क्लास, वंशी का भी क्लास करी है, और यहाँ पर बस मैं उसके कपड़े निकालने आई थी, क्योंकि वो शावर लेने जाने वाला था, तो बोल के गया कि मम्मा मेरे कपड़े पहले ही निकाल दो। पहले तो उसको नहाने में आलस आता है, बड़ी मुश्किल में नहाने जाता है, तो फिर उसके कपड़े निकाल के मुझे देने पड़ते हैं। अच्छा ये यहाँ पर इस प्लांट का पानी मुझे चेंज करना था, तो हम इसको कितने सारे लेकर आए थे लेकिन ये सारे ख़राब हो गए, अब इसके बस 2 बचे हैं, तो ये भी मुझे लग रहा है बस जल्दी ख़राब हो जाएंगे, न जाने क्यों ख़राब हो रही है। अच्छा जिनसे हम इनको ख़रीद के लेकर आए थे उन्होंने भी ये वाले प्लांट्स इसी तरीके से पानी में रखे हुए थे, लेकिन जब तक उनके पास ये प्लांट्स रहते तब तक बहुत अच्छे से रहते, जैसे ही हम लोग इनको घर लेकर आते इसमें पता नहीं क्या हो जाता है, सूखने लग जाएंगे, पीले पड़ते, तो या तो कुछ तरीका होता होगा इन्हें रखने का, क्योंकि वो लोग ये नहीं बताते कि इसको कैसे रखना है, बस वो ज़िद करते कि ले जाओ इसको ले जाओ, बहुत प्यारे लग रहे थे तो हम उस टाइम पर ले भी आए, और फिर दुख भी होता है जब प्लांट इस तरीके से ख़राब होता है ना, ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं ये।
गुड मॉर्निंग। तो दिन है आज फ्राइडे, सुबह का टाइम है, घर के सारे काम हो गए हैं और फ्राइडे वाला दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फिर आता है वीकेंड, सैटरडे संडे। हालांकि ऐसे कहीं घूमने तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन फिर भी ये होता है कि छुट्टी रहती है इनकी ऑफिस की भी और बच्चों की भी, तो एक रिलैक्स वाला दिन मुझे फ्राइडे ही लगता है। तो बस अभी अपने इस वीडियो का एंड करने जा रही थी मैं, लेकिन एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आ रहा है और वीडियो में मेरे आ रहा है, जिसका कि मुझे आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए आज आपको इस चीज़ का आंसर दे ही देते। तो ऐसा होता है कि कोई कमेंट ऐसे होते हैं कि एक दो बार आए तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तीन चार बार भी हम इग्नोर कर देंगे, बट अगर डेली आपके हर वीडियो में सेम कमेंट आएगा तो फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते, फिर आपको आंसर देना ज़रूरी हो जाता है उस चीज़ का, वरना लोग गलत गलत चीज़ें समझने लगते हैं। तो मेरी देवरानी से रिलेटेड एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा दिव्या को, जो कि मेरी देवरानी है, हम लोग सेम सोसाइटी में रहते हैं, सेम टावर में रहते हैं, बस हम लोगों के फ्लैट्स अलग अलग हैं। तो बार बार यही कमेंट आता है कि आप और आपकी देवरानी अलग अलग क्यों रह रहे हो, आप लोगों को साथ में रहना चाहिए, आपके साथ क्यों नहीं रहती है वो। तो ये वाला कमेंट बहुत बार आ चुका है, तो बस इसी का मैं आंसर दे देती हूँ कि सबसे बड़ा और पहला रीज़न ये है कि मेरे देवर की है नाइट शिफ्ट, वर्क फ्रॉम होम ही है आजकल, लेकिन फिर भी नाइट शिफ्ट वालों का थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल जॉब मुझे लगती है, क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि उनको सेपरेट सब कुछ चाहिए होता है, अलग रूम। अब जैसे हम लोगों का बच्चे हैं, बच्चे वाला घर है, तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये है कि हम सेम सोसाइटी में रहते हुए भी अलग अलग रहते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि उनकी शादी को अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और हर किसी को अपनी प्राइवेट लाइफ चाहिए होती है, चाहे वो हम हो चाहे वो सामने वाला हो। देखिए, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से सामने वाले को कुछ भी प्रॉब्लम हो, उनकी प्राइवेट लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हो, तो बस यही एक रीज़न होता है। हर किसी को अपना मी टाइम जो होता है वो चाहिए होता है ना, तो बस यही एक रीज़न है कि हम लोग सेम सोसाइटी सेम टावर में रहते हुए भी जो है अलग अलग रहते। हाँ, कोई ओकेज़न होता है, हमारा बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई फेस्टिवल है, तो हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, बस रहने का एक रीज़न यही है, क्योंकि फैमिली वाले बंदे हैं। अब बच्चों के साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फैमिली वाला बंदा ये बहुत अच्छे से समझ सकता है, तो बस यही एक रीज़न है। तो लोग ना इस चीज़ को थोड़ा सा गलत ले जा लेते हैं और गलत गलत फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि ना जाने क्यों देवरानी जिठानी ऐसे अलग अलग रह रहे हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है या जो भी है। तो इसीलिए मैंने सोचा आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, इनसे आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी जिनको करना होगा वो आगे भी करेंगे। ये इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।